subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. ब्रेन बस में ताहिर गोरा आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं डॉक्टर रणवीर शारदा। आज हम बातचीत करेंगे कि चाइना को भारत कैसे हैंडल कर सकता है, क्योंकि अभी जो हाल ही में भारत के 20 नौजवान गलवान वैली में शहीद हुए और जिस धोखे से मारा चाइनीज़ ने उनको, उससे ये बात साबित हो गई कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी पर एतबार नहीं किया जा सकता। वो किसी भी किस्म की बैक स्टैबिंग कर सकते हैं, अपनी किसी भी ट्रीटी को वो नई से नई शक्ल देकर, अपनी मर्जी के मानी देकर वो कोई भी हरबा अपना सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जब अपने ही चीनी लोगों को नहीं बख्शती, जब उनको ही हर जगह पे मारती है, उनके ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती है, तो उनसे ये तोको करना कि वो चीनी हिंदी भाई भाई वाला फार्मूला चला सकेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। लहजा इस सारी सूरत हाल में हम बातचीत करेंगे आज के ब्रेन बस में कि चाइना को किस तरह हैंडल किया जाए। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं डॉक्टर रणवीर शारदा। वेलकम डॉक्टर रणवीर शारदा जी। 1955 में जब जवाहरलाल इंडिया में आए तो लाखों लोग सड़कों के ऊपर आ गए और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे। और किस तरीके से, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि किस तरीके से जो चाइना है और चाइनीज की कम्युनिस्ट पार्टी है जी, जिसके अंडर आर्मी आती है, उन्होंने नेहरू की बैक में छुरा घोंप दिया और 1962 में हजारों जवानों की जाने गई। इन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर बगैर किसी बात के, बगैर किसी छेड़खानी के अटैक कर दिया और वो भी 100 किलोमीटर अंदर आ गए और हजारों जवानों की उस वक्त जान गई अपने ताहिर साहब। लेकिन ये बात नहीं समझ आई इंडियन पॉलिटिशियंस को, उनके दिमाग में शायद फिर यही रहा कि नहीं, हमें चाइनीज के साथ जो है वो अच्छा दोस्ती का हाथ फिर बढ़ाना चाहिए। बड़े लीडरों ने ट्राई किया, बड़े लीडरों ने हाथ बढ़ाया जी, बड़े लीडरों ने पाकिस्तान के साथ भी हाथ बढ़ाया। मुझे याद है कि जब ये, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से ये सीखा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर में गए बस में बैठ के, तो कितना बड़ा ये था कि हम बस जो है ब्रेकफास्ट वहां खाया करेंगे और डिनर हिंदुस्तान में आके खाया करेंगे। एक मुहिम चली, लेकिन विद इन फ्यू डेज उन्होंने कारगिल पर हमला कर दिया। उन्होंने किया या चाइना ने करवाया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर हम इस हिस्ट्री को देखते देखते आगे आ जाएं, तो फिर आपको 1993 में, ताहिर साहब आपने भी इसको पहले डिस्कस किया होगा, एक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट हुआ चाइना के साथ, इंडिया और चाइना का। और वो जो फैसला उस वक्त हुआ था, उसको बॉर्डर एग्रीमेंट का, उस वक्त सिर्फ यही बात थी कि हम आपस में बैठ मिलजुल के बातें करके इस बॉर्डर को, LAC का जो है, इसको कहीं ना कहीं परमानेंट करेंगे। लेकिन 2013 में दोबारा बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया गया और उसमें भी यही लेट डाउन जो थे, प्रोटोकॉल यही थे कि भाई जो फेस ऑफ सिचुएशन है एट द LAC, उसको डिफ्यूज किया जाए आपस में बातचीत करके। लेकिन चाइना ने बार बार इन जितनी भी हमने संधियां की है उनको तोड़ा और अपने फौजियों को वहां पर भेजा। अब अगर हम ये देखें कि अगर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही बना हुआ है, तो फिर आप मुझे ये बताइए कि हमारे प्रधानमंत्री जो है उन्होंने इनके साथ जी बड़े पींगे डाली, झूले में बैठे रहे, झूले जलाए कि नहीं हम तो बहुत भाई हैं, हुआ क्या अल्टीमेटली? उनको पास हिस्ट्री से किसी लीडर ने भी चीखा। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जी, उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं कश्मीर के ऊपर वो बड़े काबिल तारीफ है, लेकिन उन स्टेप्स लेने के बाद उसका ये भी तो सोचना चाहिए था ना कि हमें इसका मुकाबले करने के लिए भी हमारी अपनी पूरी तैयारी जो है वो होनी चाहिए थी।
अगर ताहिर साहब इसके बीच में अगर आप थोड़ा सा कुछ कहना चाहें तो कहिए, नहीं तो फिर मैं आगे, मेरे पास और बहुत मटेरियल है इसी मामले पे कि एक्चुअली हुआ क्या। जी 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 जी, ये जो गालवान वैली है जिसके ऊपर चाइना ने अब क्लेम किया कि ये तो हमारी है जी, ये जब ये चाइना ने क्लेम किया कि ये हमारी है, तो उस वक्त ये तो ठीक है, हिंदुस्तान ने तो ये कहना ही था कि ये नहीं है, ये तो टेरिटरी हमारी है, ये आपकी नहीं है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो स्टेप बाय स्टेप अकाउंट चाइनीज गवर्नमेंट ने गालवान फेस ऑफ का किया है, वो बस एक इतनी हंसने वाली चीज है कि जैसे वो इतना हमारे परियों की कहानी है, उस तरीके से उन्होंने उसको जो है सबके सामने पेश करने की कोशिश की। और उनके जो स्पोक्स पर्सन है चाइनीज चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के जी झाओ लिया जी, उन्होंने गालवा के बारे में यही कहा कि ये जो ये है चाइनीज साइड ऑफ द एलएसी। अब अगर अगर वो चाइनीज साइड ऑफ एलएसी है तो फिर तो झगड़ा ही कोई नहीं, लेकिन क्योंकि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और एलएसी जो है आपको पता आज तक फिक्स नहीं हुई, कोई बाउंड्री नहीं आज तक फिक्स हुई बिटवीन चाइना एंड इंडिया, तो ये उसका मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं फायदा उठाते हैं। और फिर आगे चल के कुछ और बातें जो है कि अब मतलब ये इसके पीछे क्या थ्योरी थी, कैसे ये क्यों किया गया, क्या आगे आने वाले टाइम के बाद पास हिंदुस्तान जो है वो प्रिपेयर्ड है या नहीं है। हालांकि जो हमारे एयर चीफ हैं उन्होंने तो ये साफ कहा जी कि वी आर रेडी टू काउंटर एनी सिचुएशन इन एलएसी इन लद्दाख, लेकिन बयान देने से तो नहीं ना होता, एक ये बकायदा एक बैठ के प्लान करना होता है, उस प्लान के मुताबिक वहां पर जी अपना अरेंजमेंट करना होता है और जो चाइनीज साइड है उसके साथ कैसे हमने आगे डील करना है, इसकी एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज बनती है। और वो पॉलिसीज जो है मैं समझता हूँ आज तक जितने भी हमारे लीडर आए हैं सम और द अदर दे हैव नॉट बीन एबल टू रियली फिक्स कि वाकई इसको कैसे करना है या कैसे नहीं करना। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप इस पर तबसरा करें और फिर आगे चल के जो है लद्दाख और तिब्बतन की जो हिस्ट्री है वो बहुत इम्पोर्टेंट है जी, वो पहले भी क्या हुआ करते थे, पहले भी इंसिडेंट हुआ करते थे जब लद्दाख और तिब्बत इंडिपेंडेंट, आई एम टॉकिंग बिफोर इंडिपेंडेंट, और उसके बाद जी ये क्या अब इशू है, और जो वहां के लोकल लद्दाखी जो नोमैडिक पीपल ऑफ ईस्टर्न लद्दाख के हैं जी उनको कितना इन्वॉल्व करना चाहिए नहीं, इसको थोड़ी देर आगे चल के डिस्कस करते हैं, लेकिन आपका जरा थोड़ा सा इस पर। देखिए डॉक्टर साहब, मैं इस पर भी बात करूंगा, लेकिन पहले मैं थोड़ी सी मुख्तलिफ बात करूंगा जो इस टॉपिक से जरा सी हटी हुई है। आपने चाइनीज स्पोक्स पर्सन का जिक्र किया, ये पहले पाकिस्तान में यहाँ स्पोक्स पर्सन बनने से पहले पाकिस्तान में चीनी एम्बेसी के डिप्टी हाई कमिश्नर हुआ करते थे, यानी डिप्टी एम्बेसडर थे। और इनका इंटरेस्टिंगली इनका नाम जो है ना वो मोहम्मद से शुरू होता है, ये चाइनीज वो जो मुस्लिम है ना कम्युनिटी उससे इनका ताल्लुक है। ट्विटर पे ये पहले हदीसें दिया करते थे प्रॉफिट मोहम्मद की, मैंने वो सारे स्क्रीनशॉट इनके लेके रखे हुए हैं सबूत के तौर पे। फिर इन्होंने अपने आप को तब्दील किया और अपना वो सारा इस्लामिक जो था ना आइडेंटिटी का चक्कर वो ट्विटर से हटाना शुरू किया। ये पाकिस्तान में सी पैक के मामलात की निगरानी भी किया करते थे, और ये तभी से पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर चीन के एम्बेसी के होने के बावजूद ये अमरीका के खिलाफ वहाँ पर बयान दिया करते थे। आपको याद होगा कि कोरोना वायरस के फैलने पर इन्होंने ही अमेरिका के खिलाफ ये थ्योरियां छोड़ी थी कि ये अमेरिका ने कोरोना वायरस फैलाया है, इन्होंने हमारे, ठीक है ना। तो इनकी जरा हिस्ट्री में अपने व्यूअर्स को बताना जरूरी समझता था कि ये किस हिस्ट्री से हैं। तो इनकी हिस्ट्री से एक हमें ये सबक मिलता है कि ये भी एक मिनट में अपनी आइडेंटिटी छोड़ बोल देते हैं, अपनी आइडेंटिटी चेंज कर देते हैं और कुछ से कुछ हो जाते हैं। तो ये असल में ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के। मैं इनकी आइडेंटिटी थोड़ी सी देते हुए इससे बात जोड़ना चाह रहा हूँ कि जो आपने बात की कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है जिसे सीसीपी भी कहते हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भी कहते हैं, उस पर वाकई ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी दोनों हुकूमतों में
प्रेसिडेंट शी के साथ मुलाकातें की, उनको बड़े खातर तवाजे के साथ बुलाया, सब कुछ किया। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये तो एक गुडविल थी, वो ये चाहते थे कि तल्लुकात अच्छे हों और हम जो नेबर्स हैं, नेबर्स आपस में चेंज नहीं हुआ करते, उनको ये भी पता था। दो और दो बड़ी पॉपुलेशंस के कंट्री हैं। ये अलग बात है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दो तीन बड़े स्मार्ट फैसले लिए। चाइना इनको एक ट्रेड ट्रीटी में लाना चाहता था, जिससे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनकार किया। उन्होंने कहा जब तक बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं होगा कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह की ट्रेड ट्रीटी में आने का। ये सारी बातें अपनी जगह पे। अब देखना ये भी है डॉक्टर साहब इसके साथ साथ कि आफ्टर ऑल चाइना ने इतना एक्सट्रीम कदम क्यों लिया, क्योंकि ये कोई नई सूरत हाल तो है नहीं। वो तो पहले भी क्लेम कर रहे थे गलवान वैली हो या ये पूरे का पूरा जो ईस्टर्न लद्दाख का इलाका हो, ये कि जी ये हमारा है, भारत कहता है ये हमारा है और हमारे पास ही रहेगा, तो ये तो पहले भी चल रहा था। लेकिन ये इतना एक्सट्रीम एक्शन उन्होंने जो अपने फौजियों से लिया, उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ने, उसके पीछे क्या है? क्या डिस्ट्रैक्शन चाह रहे हैं कोरोना वायरस से, या उनका ये गुस्सा है कि बहुत सारा बिजनेस अब चाइना से निकल के धीरे धीरे भारत जा रहा है, या उनका ये गुस्सा है कि भारत की जो स्ट्रेटजिक अलायंस है वो बढ़ती चली जा रही है वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, और चाइना को अब ब्लॉक में इंडो पैसिफिक ओशंस में करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा कि अमेरिका ने जो बयानात दिए हैं भारत के नौजवानों के शहीद होने पर, उन्होंने भारत का ही साथ दिया। लेकिन अब जो असल मुद्दा है डॉक्टर साहब, वो ये है कि क्या भारत हैंडल कर पाएगा चीन को, क्योंकि अमेरिकन भी उस तरह की मदद तो नहीं देते ना, वो तो बस एक जबानी खला की बात ही करते हैं ना। अब भारत, चूंकि भारत इस तरह की बैक स्टैबिंग नहीं किया करता, ये उनका रिकॉर्ड है। चीन को तो कोई शर्म नहीं है, वो तो कोई भी अपने वर्ड्स चेंज कर लेते हैं, कुछ भी ये कर लेते हैं। आफ्टर ऑल चीन एक पावर भी है, अमेरिका के बाद इस वक्त दूसरी बड़ी पावर चीन है, ये एक रियलिटी है। तो इस सारी सूरत हाल में ये जो सवाल आपने और मैंने छेड़ा है कि क्या भारत चीन को हैंडल कर सकेगा, इस पर जरा थोड़ा सा आप रोशनी डालें, फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। देखिए बेसिकली क्या है कि मैं ये महसूस करता हूँ कि चाइनीज ने जितनी अपने जो आर्मी को, आर्मी में सबसे बड़ी बात क्या होती है, सप्लाई लाइन, और जिस तरीके से चाइना ने तिब्बत के होते हुए और इधर अक्साई चिन और ये लद्दाख के ऊपर के जो एरिया है वहां पर सड़कें बना ली, वहां पर एयरपोर्ट्स बना लिए, जिस तरीके से उन्होंने पिछले 10-15-20 साल में काम किया है, ये बड़े अफसोस वाली बात है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने उनका नोटिस नहीं लिया। ठीक है बयानबाजी जरूर हुई, ये वो काम गलत कर रहे हैं, लेकिन चाइना ने कहा हम तो अपना सिल्क रूट बना रहे हैं, हमारा हम कोई आपके गेस्ट नहीं, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात मुझे ये बताइए, 1962 से आज तक नहीं समझ आई हिंदुस्तानी पॉलिटिशियंस को कि चाइना जो है ये तो किसी की भी बैक में छुरा घोप है, किसी भी, इट डजंट मैटर आप उसके भाई हैं, आप उसके दोस्त हैं या आप उसके मित्र हैं। अब मैं पाकिस्तान की एग्जाम्पल आपको लेता हूँ, जिनको ये अपना बहुत नजदीकी समझता है, और पाकिस्तान चाइना को अपना बड़ा नजदीकी समझता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की आंखें खुल जानी चाहिए, वो खुली हुई है डॉक्टर साहब, उनके पास ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के पास। जी आप बात जारी रखें। लेकिन अगर खुली हुई है तो उनको ये भी नजर आ जाना चाहिए कि ये हमें हड़पने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और कुछ नहीं करने आए हुए हैं। क्योंकि ये जो टेंशन हुआ ना इस वक्त इंडिया की, उसमें दो चीजें हैं, फिर हम आते हैं कि इंडिया क्या इसको फेस कर सकता है या नहीं। एक तो इंडिया की जो क्लोजनेस हुई है ना यूएस के साथ, हाँ जी, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर एक जो इंडिया का टेंशन विद पाकिस्तान एंड नेपाल और इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ COVID-19 इन इंडिया, ये तीन फैक्टर जो थे, इसका फायदा उठा के चाइना ने शायद ये एक स्ट्रेटेजिकल प्रेशर न्यू दिल्ली को डालने की कोशिश की। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान को बड़ी प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान को अफसोस वाली बात यह है कि 10 साल पहले एक सड़कें शुरू हुई थी, वही आज तक कंप्लीट नहीं हुई, जो कि आज से 8 साल पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है हिंदुस्तान की, मे बी डेमोक्रेटिक सेटअप के बीच में ऐसा होता है, जो भी हम बनाते हैं ना कि ये प्रोजेक्ट ऐसे हमने करना है,
उस प्रोजेक्ट का अगर टाइम फ्रेम होता है 2 साल का तो उसको 6-8 साल लग जाते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि जब आप उनका मुकाबला करने के लिए एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है, अगर आपने लद्दाख में जाके लड़ाई करनी है तो लद्दाख तक रोड ही जो है वो सारा साल खुली नहीं होती, सारा साल रोड ही नहीं खुली होती, आपको सारा काम जो है भाई एयर करना पड़ेगा। लद्दाख का एक एयरपोर्ट है लेह में, हाँ जी, उसके आगे एक और छोटा सा इन्होंने एयरपोर्ट बनाया हुआ है। ये जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को जब तक ये इम्प्रूव नहीं करेंगे, मुझे आप ये बताइए कि क्या हिंदुस्तान आज इस बात के लिए कैपेबल है कि जितना असला चाइना ने वहां पर बॉर्डर पर लाके रख दिया, क्या हिंदुस्तान उसका मुकाबला कर सकेगा? हाँ जी, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है। मैं ये महसूस करता हूँ जो हिंदुस्तानी मतलब फौजी है वो तो बहुत एक्सीलेंट है, नंबर 1 है वर्ल्ड में, लेकिन फिर भी आदमी तभी लगेगा जब उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हथियार प्रॉपर होंगे और वो लैस होंगे। मैं तो आज तक ये नहीं मुझे समझ आई कि इतने बड़े रीजन में ये जो लड़ाई हो गई थी वहां पर, क्या वो लड़ाई, मैं तो चाइना का भी ये बेवकूफ समझता हूँ, चाइना ने भी वैसे चलो थोड़ी बहुत पहले तैयारी की हुई थी, उन्होंने भी बाकायदा अभी वहां पर रॉड बनाई हुई थी जिनके ऊपर अभी वायर लगी हुई थी जिससे आदमी को मारा जा सकता है। लेकिन क्या इस किस्म की झड़पें कभी बॉर्डर में आपने सुनी है? मैंने तो अपनी लाइफ में अजी नाउ आई हैव एंटर्ड 79, मैंने तो पहली बार अपनी जिंदगी में ये सुना है कि हाँ भाई हथो पाई जो है उससे आदमी मर जाते हैं। 50 होना चाइना के मरे हैं, 20 यहाँ मरे हैं, अरे हाथों पैसे इतने आदमी मर जाते हैं। तो ये एक बड़ी सीरियस मैटर है हिंदुस्तान के लिए, एंड आई हैव स्टिल डाउट्स। हम ठीक है नारेबाजी तो बहुत करते हैं हिंदुस्तान में, यानी चाइनीज कुछ को सड़कों के ऊपर तोड़ना शुरू कर दिया, अरे भाई एक आदमी ने कहा कि ये जो आप सामान तोड़ रहे हो ये सामान का चाइना पैसा आपसे ले चुका हुआ है, यू हैव ऑलरेडी पेड फॉर दिस एंड नाउ यू आर ब्रेकिंग इट, सो इट्स अप टू यू। लेकिन हाँ, आगे की क्या पॉलिसीज होंगी ये गवर्नमेंट को बड़े ध्यान से सोचना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ आज के जमाने में ताहिर साहब लड़ाई तो शायद मेरा ख्याल है कोई सोल्यूशन नहीं आज के जमाने में, लेकिन हाँ एक जो इकोनॉमिक फैक्टर होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम 13-14 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं चाइना से और 3-4 बिलियन का ही सिर्फ जो है उनको इम्पोर्ट करते हैं। तो बिग गैप, या तो ये गैप को तोड़े या ये अफोर्ड कर सकते हैं कि चाइना के साथ ट्रेड ना करें, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ी फैक्ट्रीज है हिंदुस्तान में फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज, उसकी डिपेंडेंसी तकरीबन 90% चाइना के ऊपर है। आप डिपेंडेंसी को जब तक देखिए, मेन इशू क्या है, अगर हिंदुस्तान ने चाइना के साथ मुकाबला करना है तो पहले तो इनको चाइना की डिपेंडेंसी टोटल ये डिसाइड करना चाहिए कि 2 साल या 5 साल का पीरियड होना चाहिए कि हमने इस पीरियड में अपनी टोटल डिपेंडेंसी चाइना से अपने हाथों में ले लेनी है। जब ऐसा कोई ऐसी मतलब टाइम बाउंड स्कीम नहीं बनाएंगे ना, इट विल बिकम वेरी वेरी टफ फॉर इंडिया टू रियली फेस चाइना, क्योंकि चाइना जो है उसके पास पैसा है, वो तो पैसे से लोगों को खरीद रहा, वो पैसे से सब कंट्री को खरीद रहा। देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि जहां आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मीटिंग के बाद ये बात की कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले भारत का वाकई उस इलाके में नहीं होता था और अब जब से बनना शुरू हुआ है तो चाइना अलर्ट हुआ, और उन्होंने ये भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की वजह से हमारी निगरानी भी उन पोस्ट पे बढ़ी, तो ये चाइना को बात पसंद नहीं आई। तो ये बात तो तय है कि वाकई ये जो चीनी हिंदी भाई भाई का जो एक दौर चला, जो जिसमें 62 की वॉर में भी हमें बहुत नुकसान हुआ भारत को, और उसके बाद भी हमने अपना नुकसान ही किया है।
हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे बड़ी, हमारे फैक्ट्रीज का जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से आता है बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो ये डिपेंडेंसी का जो भारत का मामला है चाइना पर, वो ये सिर्फ भारत का ही नहीं है, ये पूरी दुनिया को चैलेंज है इस वक्त। अमेरिका भी इस चैलेंज से गुजर रहा है, हत्ता के कनाडा भी गुजर रहा है, यूरोपियन यूनियन भी गुजर रही है अब। लेकिन ये बात डॉक्टर साहब एक तय हो गई कि पूरी दुनिया को अब ये आइडिया हो गया कि हमें इस का अब कोई ना कोई रास्ता निकालना है, चूंकि इस तरीके से चीज़ें आगे नहीं चल सकती। ये भारत ही नहीं सोच रहा, ये बात अब पूरी दुनिया सोच रही है, चूंकि ख़ास तौर पर इस कोरोना पेंडेमिक के बाद पूरी दुनिया की जो बेतबारी है वो चाइना पर बढ़ गई है, और उन्होंने ये तय कर लिया कि अब हमने चाइना की चुंगल से बाहर निकलना है। तो ये तो है अब दुनिया में एक अवेयरनेस की लहर, ये अलग बात है कि प्रैक्टिकली दुनिया इसको किस हद तक करती है। अगर हम प्रिसाइजली भारत की बात करें तो मैं यहाँ जी यही मैं एक सेकंड में यही कहना चाहता था कि आपने बहुत कहा कि दुनिया जो है वो अलर्ट हो गई है। जी। दुनिया जो है जब अपने इकोनॉमिक मुफाद होते हैं तो दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, वो अपने इकोनॉमिक मुफाद पहले देखते हैं, बाकी की चीजें बाद में देखते हैं। जो मैंने एक सवाल उठाया आपके पहले आपसे, वो सवाल ये था कि जब तक टाइम बाउंड कोई नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी, टाइम बाउंड वो 2 साल हो वो 5 साल हो, हाँ जी, उनको टाइम बाउंड बकायदा ये फैसला करना पड़ेगा कि हम चाइना से डिपेंडेंसी कब अपनी कम कर सकते हैं, और उनको डिफरेंट कंट्रीज में देखना पड़ेगा कि वो कहाँ से रॉ मटेरियल, हिंदुस्तान से वो रॉ मटेरियल नहीं बनता ना, रॉ मटेरियल तो कहीं बाहर से आना है, तो वो रॉ मटेरियल कहाँ बन सकता है, कहाँ से ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये चीजें जो है ना। देखिए मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको टाइम बाउंड जो है इसके ऊपर क्या कहना है। नहीं बिल्कुल, टाइम बाउंड होना पड़ेगा, टाइम बाउंड हुए बगैर कोई रास्ता नहीं है, कोई हल नहीं है, चूंकि डिपेंडेंसी खासतौर पर उन नेशंस पे, उन कंट्रीज पे नहीं की जा सकती जो अनप्रिडिक्टेबल हों, वो कंट्रीज जिन जो आपके साथ राइवल हों उनके साथ तो बिल्कुल ही डिपेंडेंसी नहीं की जा सकती। और ये मैं समझता हूँ कि भारत की पिछली सरकारों की ये गलती रही है कि उन्होंने अपनी आंखें बंद रखी और कहा कि चले कोई नहीं, चीनी हिंदी बाइक बाइक का नारा लगाकर हम अपना काम चलाते रहेंगे, तजारत भी चलती रहेगी, भारत की फिल्में भी देखते रहेंगे, वहाँ पे टूरिज्म भी चलती रहेगी, ये सब चलना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ डॉक्टर साहब तभी चल सकता है जब तक आपके दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बड़े ना हों और एनिमोसिटी ना हो और राइवलरी ना हो इतनी ज़्यादा जितनी चीन और भारत की है। और हर वक्त हमें आप डोकलाम का देख लीजिए, तब भी ये मतलब एक दूसरे के आमने सामने फौजें हुई, लेकिन चलिए वो बाद में डिफ्यूज़ हो गया मामला। अब ये कई हफ्तों से चल रहा हुआ था ये मसला, और अल्टीमेटली आप देखिए कितना बड़ा ये डेडली क्लैश होता है। इसके नंबर भारत की तरफ से तो क्लियर है, चाइना की तरफ से हमें आज तक पता ही नहीं है कि एग्जैक्ट क्या हुआ, और वो चलिए मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब वो अपना एक डेडलाइन बनानी होगी डिपेंडेंसी को तकरीबन ख़त्म करने की, उसके बगैर ये कोई चांस नहीं है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है कि ये चाइना की ब्लैकमेलिंग मैं कहूँगा उससे बाहर आ सके। आपने एक बात की ताहिर साहब जी कि हिंदुस्तान के जो पुराने प्रधानमंत्री हैं जी, उन्होंने हमेशा चाइना के साथ, प्राणों में सिर्फ एक ही प्राइम मिनिस्टर था नेहरू को जिसको इन्होंने धोखा दिया, नंबर वन। नंबर टू उसके बाद जितने भी मतलब प्राइम मिनिस्टर आए हैं इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी का जी ग्लोरियस पीरियड, या फिर उसके बाद 10 साल मनमोहन सिंह के, इवन द फर्स्ट 6 ईयर्स ऑफ मोदी साहब, इनका भी बहुत बड़ा एम्फेसिस ये था कि हम चाइना के साथ भाई भाई बन कर रहे। इन्होंने भी बहुत उनकी लुक आफ्टर की, जब ये गए थे चाइना में तो इनकी भी उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से लुक आफ्टर की। कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन जो है जब उनको बहुत प्यार से लुक आफ्टर किया जाता है तो वो उस चंगुल में फंस जाते हैं कि नहीं भाई अब तो ये हमारे भाई भाई हो गए। देखिए धोखा सब प्राइम मिनिस्टरों ने खाया है चाइना से आज तक के, मोदी साहब भी बीच में, लेकिन हाँ अगर अब भी ये सख्ती ना इन्होंने इस्तेमाल की ना बरती है, इनके एयरफोर्स के कमांडर के बयान
वो तो ठीक है, लेकिन रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी जब होती है उसमें एक बात हमें रियलाइज कर लेनी चाहिए कि जितना असला उन्होंने वहां पर बॉर्डर में पहुंचाया हुआ है जी, हमारे जवानों के पास उससे 1/4 भी असला नहीं है। मतलब वहां पर उन्होंने इतना असला पहुंचा दिया हुआ है और उनका बकायदा लाइन जो है सप्लाई लाइन वो इतनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी हुई है कि सारा साल हाँ जी उनका असला भी आ सकता है और खाने पीने का सामान भी आ सकता है। ये अब मैं खुद जानता हूँ कि ये अपने रोज हाँ जी 20-25 AN-12 रशियन एरोप्लेन है जी जो ट्रांसपोर्ट किया, वो बकायदा सामान लेके जाते हैं लद्दाख और वहां पर जाके सामान बकायदा पैराशूटों के साथ फेंकते हैं आर्मी वाले कैंपों में। तो ये सिलसिला जो है ना, इससे उससे लंबी लड़ाई आई विश की कभी भी ना हो, क्योंकि लंबी लड़ाई इंडिया कैनॉट अफोर्ड एट दिस मोमेंट एंड आई थिंक इवन चाइना कैनॉट अफोर्ड, क्योंकि चाइना को अगर लड़ाई में पड़ गया फिर तो वो तबाह हो जाएगा जी, उसका अपना जो एक मकसद है दुनिया में इकोनॉमिक पावर बनने का वो बर्बाद हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान को बहुत ही अच्छे ढंग से वेल प्रिपेयर होना पड़ेगा, इसके बीच में उनको आर्मी के जो कमांडर हैं उनको बीच में इन्वॉल्व करना पड़ेगा हैं जी, और उसके साथ साथ इनके पास एक स्पेसिफिक सिर्फ चाइना के बारे में एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि हम चाइना के साथ आज के बाद ऐसा डील करेंगे। बयानों से नहीं होता, बयान तो बहुत बढ़िया दे देते हैं सारे पॉलिटिशियन दुनिया में हैं जी, दे आर द बेस्ट टू डिलीवर मैसेजेस, लेकिन उस मैसेजेस के ऊपर इफेक्टिवली काम जो करना है वो कैसे होगा, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखना कि आने वाले टाइम के ऊपर दिस मे बिकम द बिगेस्ट हेडेक फॉर द प्रेजेंट गवर्नमेंट इफ दे डोंट डू मतलब सम कंस्ट्रक्टिव वर्क इन द नेक्स्ट 1 year, जस्ट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर दे हैव टू हैव ए वेरी क्लियर पॉलिसी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू विद चाइना, दे हैव टू डू इट। डॉक्टर साहब बिल्कुल, मेरा ख्याल है यही वो हमारा कंक्लूसिव वो होगा आज की टॉक का, कि जब हमने बात छेड़ी कि कैसे चाइना को भारत डील कर सकता, तो डील करने का यही रास्ता है कि एक तो उन तमाम इल्यूजन से बाहर आ जाएं, भारत की तमाम सरकारों को अब ये बात समझ आ जानी चाहिए, ख़ासतौर पर इस वक्त जो मोदी सरकार है उनको ये बात यकीनी तौर पर समझ आ चुकी होगी कि चाइना पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, कोई वजह नहीं है कि चाइना पर ट्रस्ट किया जा सके, और चाइना हमसाया भी है भारत का और दूसरी बड़ी राइवल नेशन भी है, जाहिर है उसने भी वही रहना है, भारत ने भी वही रहना है। इस सारी सूरत हाल में हल वाकई यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि मोदी साहब कह रहे हैं कि बिल्ट हो रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि बिल्ट हो रहा है, लेकिन इसकी एक डेडलाइन होनी चाहिए, ये अच्छे तरीके से बिल्ट हो ताकि हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, हमारे नौजवानों को कोई मसला ना आए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है हैंडल करने के लिए चाइना को। फिर इसके साथ साथ डॉक्टर साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक है आप बेशक अपेरेंटली सख्त बयान ना दें जब तक आप अपने आप को पूरा बिल्ड नहीं करते, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिपेंडेंसी ख़त्म करने के लिए एक टाइमलाइन बनानी पड़ेगी, एक डेडलाइन होनी होगी ताकि चाइना के चुंगल से बाहर आ सके। आखिर में डॉक्टर साहब अगर इस बातचीत को आप समाप्त करें तो किस तरह करना चाहेंगे? बेसिकली क्या है कि हिंदुस्तान को बहुत फर्म होना पड़ेगा कि वी विल नॉट अलाउ टू लूज एनी टेरिटरी फर्दर, दैट्स नंबर वन। फिर जो लोकल लोग होते हैं ना जी बॉर्डर्स के ऊपर, खास करके इन लद्दाख में जी, उनके साथ इनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जो वहां के नोमैडिक पीपल ऑफ ईस्टर्न लद्दाख के हैं दे नो बॉर्डर मैनेजमेंट बेटर देन एनीबॉडी एल्स। अब आर्मी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो सिविलियंस होते हैं उनके साथ बैठना और उनके साथ बातचीत करके उनकी इनपुट लेना वो उनको कोई इतना अच्छा नहीं लगता। मेरे अपने खुद मतलब सगे मेरे जीजा जी जो थे आई मीन ही डाइड एज ए मेजर जनरल यू नो, उसके बाद तो लेफ्टिनेंट जनरल उन्होंने बनना था, तो मुझे आर्मी का काफी इनसाइड वर्किंग का पता है। ये अनलेस एंड अंटिल ये सारे जो स्टेप है, बातें करने से नहीं, आपने कहा कि आप उनको समझ आ गई है, समझ तो पहले भी बहुत लोगों को आ गई थी, समझ आने के बाद हाँ जी फिर ये
कहना कि नहीं जी अच्छा अब हम फॉरेन मिनिस्टर की आपस में मीटिंग करते हैं जी, थोड़ा सा ना सख्त होना पड़ता है। पिछले 3 दिन से लगातार मेजर जनरल के रैंक के ऊपर मीटिंग हो रही है, 3 दिन हो गए हैं जी, लगातार मीटिंग हो रही है बॉर्डर के इशू के ऊपर। अब अगर 3 दिन में कुछ नहीं इशू सॉल्व हुए तो उसको अब चलो फॉरेन मिनिस्ट्री के लेवल पर यह सॉल्व करना चाहते हैं, पर क्या जब आपको टीटी साइन कर लोगे, हमने पहले भी जो टीटियां साइन की हैं उसका भी हमें पता है, 1993 की टीटी का हमें पता है, फिर 2013 में हाँ जी जो एग्रीमेंट बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुआ उसका भी हमें पता है, लेकिन LAC के ऊपर क्योंकि जब तक कोई पक्की एक हद नहीं ना बनती, एक निशानबाजी नहीं होती, तब तक हर कोई ये क्लेम करता रहेगा कि ये मेरे इलाके में, और चाइना की तो ये आदत है कि जी ये भी मेरा एरिया है, ये भी मेरा एरिया है। वो तो जहां जहां चाइनीज गए हुए हैं उन सबको कहता है, वो तो वियतनाम को भी कहता है हमारा पार्ट है जी, और कंट्रियों को भी वो कहता है हमारा पार्ट है। तो ये एक बहुत ही सख्त ढंग से और फर्मली, मैं ये कहता हूँ सख्ती तो चलो लड़ाई को शायद लीड करे, लेकिन फर्मली ये उनके दिमाग में डालना पड़ेगा कि यस We will not allow another this kind of an attack. और उसके लिए बकायदा आर्मी चीफ के साथ बैठ के इनको मीटिंगे करके एक फुल फ्लैग प्लान जो है जिसको एमरजेंसी प्लान कहते हैं ना जी, अभी तो इनको एमरजेंसी प्लान बनानी पड़ेगी, फिर बाद में एक शॉर्ट टर्म प्लान और फिर लॉन्ग टर्म प्लान बनानी पड़ेगी हाउ टू डील विद चाइना, बिकॉज चाइना जो है उसके चंगुल में पूरा नेपाल फंस चुका हुआ है, चाइना के चंगुल में पूरा पाकिस्तान फंस चुका हुआ है, चाइना के चंगुल में पूरा हाँ जी म्यांमार जो है वो भी उनके चंगुल में फंस चुका हुआ है, और कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा सा हाथ बांग्लादेश में भी और श्रीलंका में भी मारना शुरू कर दिया, यानी कि जितने भी नेबर्स हैं इंडिया के उन सबके ऊपर वो कोई ना कोई किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और 3-4 कंट्रियों में तो सक्सेसफुल हो गए हैं। तो इसलिए ये एक इमीडिएटली एमरजेंसी प्लान, देन शॉर्ट टर्म प्लान एंड देन लॉन्ग टर्म प्लान, दे हैव टू मेक इट। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, इसी तरह के से ही हैंडल किया जा सकता है चाइना को, वरना चाइना की जो डिसेप्शन वाली पॉलिसीज हैं वो हमेशा जारी रहेंगी, और जब तक हम क्लियर नहीं होंगे चाइना को हैंडल नहीं कर सकेंगे। मेरा ख्याल है आज हम इतनी गुफ्तगू करेंगे, और अगले हफ्ते डॉक्टर साहब एक खुशखबरी अपने व्यूअर्स को देते हैं कि आप और मैं शो बकायदा स्टूडियो में बैठ के किया करेंगे, और उसमें फिर एक वो जो एक वाइब्रेंट माहौल है वो कुछ और ही तरह का होता है। हाँ जी, सो नाइस ऑफ यू सर, विश यू ऑल द बेस्ट, और जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सबको भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज COVID-19 अभी खत्म नहीं हुआ, अपने अपने गवर्नमेंटों के जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस हैं उनको जरूर फॉलो करें, नहीं तो जो सेकंड अटैक होता है किसी भी वायरस का, एज ए मेडिकल फील्ड में मैं हूँ मैं आपको बता सकता हूँ, जो सेकंड अटैक होता है वो हमेशा फर्स्ट अटैक से बहुत वर्स होता है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेन सेफ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। बातचीत आपने सुनी डॉक्टर रणवीर शारदा की ब्रेन बर्स्ट में मेरे साथ, और हमने यही तजिया निकाला कि चाइना को अगर हैंडल करना हो तो उसका जो इम्पॉर्टेंट रास्ता है वो ये है कि चाइना पर डिपेंडेंसी ख़त्म की जाए, और ये बात तय कर ली जाए कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी पर किसी तरह से भी एतबार नहीं किया जा सकता। इसी कंक्लूजन के साथ डॉक्टर रणवीर शारदा और ताहिर गोरा के साथ आज का शो देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.